जय जगन्नाथ। इस समय हम जिस स्थान पे हैं वो महान दिव्य आत्मा भगवान ध्रुव जी की तपस्या स्थली रही है। और सबसे पहले ध्रुव जी के दर्शन कराते हैं आपको। देखिए, ध्रुव जी ने बैठ के यहीं पे तपस्या की थी और फिर उसके बाद उनको तारे के रूप में वो आकाश में विद्यमान है। ये देखिए, ये मूर्ति बनाई गई है, वो तपस्या कर रहे हैं। और ये कमरा है, छोटा सा कमरा बना हुआ है। ये मालिका वर्णित स्थान है। हाँ, मेरे को बोलने हाँ, स्थान मालिका वर्णित मेरे स्थान स्थान है ये। है। और ज्यादा डिटेल से हमारे भाई सत्या भंजा जी आपको बताते हैं, सुनिए। नमस्कार। ये मालिका वर्णित बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है ध्रुव तपस्या स्थली। अच्छा। उड़ीसा प्रांत के जगतसिंहपुर जिले के अंतर्गत एक है धरतंगढ़ जंगल। धरतमगढ़। हाँ, धरतंगढ़ जंगल है। अच्छा एक जमाने में राजाओं के ये होता था गढ़, और ये अच्छा जंगल है। जंगल के बीचों बीच यहाँ पे वो ध्रुव तपस्या स्थली है। तो जैसे कि मालिका में लिखा गया है, ऐसे पांच जगह हैं जहां पर अच्छा अद्भुत घटनाएं घटित होते हुए देखने को मिलेंगे। अच्छा एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह घट रहा है, एक जगह में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रहा है, और अच्छा एक जगह में जल रहा है। अच्छा ये है वो जगह, एक जगह जल रहा है। तो अच्छा जल रहा है कहाँ? ये है ध्रुव तपस्या स्थली। यहाँ पे देखिए, यहाँ सदियों से जो है जल रहा है, आग बुझने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा इसके अंदर कहीं ना कहीं धीमी आग तो होगा ही। तो लकड़ी जब इसके ऊपर डाला जाता है, यहाँ पे ट्रस्ट है, वो लोग यही सब उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो लकड़ी यहाँ पे डालते हैं। और 1999 में जो चक्रवाती तूफान आया था, तब भी ये आग जो है नहीं बुझा था, तब अच्छा भी ये आग जो है जल रहा है सदियों से। आज से पता नहीं कितने साल हो गए, तब से ये आग जो है जलती आ रहा है, जलती आ ध्रुव रहा है। जी तो सतयुग के समय के रहे हाँ हैं। हाँ 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 दूसरा है कि मालिका में जो लिखा गया है, एक जगह बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कहाँ पे? जहाँ हम गए थे कल नेमाल। नेमाल में जो है वो वट वृक्ष का जो वृक्ष। जड़, वो जो हाँ है बढ़ रहा है। वट वृक्ष का जड़ वो गाड़ी छुएगा। ऑलरेडी हो चुका है गाड़ी काम। गाड़ी छू चुका है। जी, कदम छुए अच्छा है। तो गाड़ी छुने का मतलब यह है कि अंतिम समय का संकेत मिलेगा। अच्छा, ये हाँ, मालका में लिखा ये हुआ है। मालिका में लिखा गया है कि ये अच्छा चार जो जगह है वहां पे संकेत वहां पे मिलेगा। मिलेगा। दूसरा जगह है कि घट रहा है, तो बलराम दास के जो गाड़ी है जी वहां पे एक ये हुंका है, तो हाँ, वो जो है धीरे धीरे घट रहा है। क्या चीज घट रहा है? वो रुई होता है ना, उनका जो हाँ हुंका टाइप का होता है, बड़ा बड़ा सा, अच्छा, तो वो जो है धीरे धीरे, वो उसका लंबाई था 13 फीट, थर्टीन तेर फीट हाँ 13 फीट। थर्टीन फीट अभी कितना रह गया? और बिल्कुल वो मिट गया। हाँ, अच्छा उसके बगल में ही वो के तालाब है, हाँ, वो बिल्कुल वो तालाब समान हो गया। ओहो, हाँ इसका मतलब ये समाप्ति हाँ ये है। समाप्त हो गया। और एक जगह है जहाँ पर अजीब 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 सा आवाजें सुनाई दे रही है, वो है गिरधारी कोट। गिरधारी कोट जो है वहां पे एक कुछ वहां पे अजीब सा कुछ गर्त है, होल है। तो वहां पे जब हम कान लगा के सुनेंगे तो वहां पे 24 घंटे में 12 12 तरह की अजीब अजीब सी आवाज जो है सुनाई देता है, और वो अच्छा भी रात के समय खास करके। हाँ, अच्छा तो ये है मालिका वर्णित, ये गुप्त जगहें हैं और जिसके बारे में बिल्कुल लोगों को पता तो था नहीं। अब जो है धीरे धीरे ये सब चीजें लोग आ रहा है। जब आपका ये सत्या भांजा उड़ीसा वाला चैनल जब से आपने लॉन्च किया है, तब से पूरे उड़ीसा में तहलका मच गया और जी लोग जी ढूंढने लगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ये प्लेस। और तब हाँ से जाके हम देख रहे हैं कि ये इन प्लेसों पे लोगों का आना जाना हाँ शुरू हो लोगों का आना गया। जाना भी शुरू हो गया, और जी कुछ कुछ जगह मतलब जो ट्रस्ट है थोड़ा एक्टिव हो गए हैं, और कुछ अच्छा कुछ जगह सरकारी स्तर पर भी मदद मिल रहा है, मिल रहा है। जबकि 3 4 साल पहले ये सब कुछ था नहीं। मतलब अच्छा यहाँ तक कोई आने के लिए रास्ता भी नहीं था। बात ये भी है, और हम ये चाहते हैं, हम ये आग्रह करते हैं कि जो भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उड़ीसा आए, और भविष्य मालिका में ये जो गुप्त
स्थान है, स्थान के बारे में वर्णित किया गया है, उसको भी वो इसका एक जीवन साक्षी बने। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।